माय नेम इज सीए वरुण वाशने। आज आपके साथ दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करते हैं 12th क्लास का, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पहले आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व। रिजर्व कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, रिजर्व हम अपनी सिंपल भाषा में बोलते हैं। रिजर्व क्या है? एक गुल्लक है। गुल्लक का मतलब आपके पास कुछ प्रॉफिट है और आपने उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कहां डाल दिया है? इस गुल्लक में। तो रिजर्व मींस क्या होता है? गुल्लक। गुल्लक बनती कैसे है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सर गुल्लक बनाते क्यों है? मेन पर्पस होता है गुल्लक बनाने का कि अगर फ्यूचर में कभी भी कोई लॉसेस होते हैं तो आप उसके लिए पहले से क्या बना के चलते हो? एक गुल्लक। डिफरेंट डिफरेंट तरह की गुल्लक होते हैं। अब मैं आपको एक आज टॉपिक जो डिस्कस कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इस गुल्लक के बारे में आपसे आज डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा पहले आपको एक पुरानी मूवी के बारे में बताता हूं जिससे इसका कुछ बैकग्राउंड क्रिएट हो जाए। आपने एक पुरानी मूवी है लाडला, लाडला के अंदर हीरो है अनिल कपूर। उस मूवी में क्या होता है, बहुत सारे वर्कर्स, एक बड़ी सी फैक्ट्री होती है, वर्कर्स उसमें काम करते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक वर्कर का बड़ी सी एक मशीन के अंदर वर्कर का आ जाता है हाथ, और वर्कर का हाथ कट जाता है, बहुत उसमें से ब्लड निकल रहा होता है। वो वर्कर भागा भागा जाता है मालिक के पास, मालिक को बोलता है कि मेरा हाथ कट गया और इस हाथ जो ये कट गया है मैं, मुझे आपकी उससे कंपनी से चाहिए कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब होता है मुआवजा। इट मीन्स जिस वर्कर का हाथ कटा है वो भागा भागा गया मालिक के पास, किसके लिए गया? मुआवजे के लिए। और मूवी में ये दिखाया जाता है कि वो मालिक कहता है मुआवजा वुआवजा छोड़ो, ये देखो आपके हाथ से जो खून गिरा है उससे मेरा सारा का सारा कारपेट हो गया है खराब, मैं मुआवजा नहीं दूंगा, उल्टा आप मुझे मुआवजा दोगे क्योंकि मेरा सारा का सारा हो गया है कारपेट खराब। फिर मूवी है, मूवी में हीरो है अनिल कपूर। वर्कर भागता भागता जाता है अनिल कपूर के पास, और फिर अनिल कपूर एज यूजुअल हीरो है, फिर वो क्या करता है, मालिक की मार पिटाई करता है, और मालिक को फाइनली क्या देना पड़ता है, उस वर्कर को मुआवजा देना पड़ता है क्योंकि उस वर्कर का क्या आ गया था, मशीन के अंदर हाथ आ गया था। अब दोस्तों ये तो बहुत पुरानी बात है, अब आज अगर आज की डेट में किसी वर्कर का हाथ आता है तो क्या हम भागे भागे अनिल कपूर के पास जाएंगे? नहीं। इसीलिए अब हमारे कानून बना दिया गया है, एक कानून के अंदर ये लिख दिया गया है कि अगर किसी वर्कर का हाथ आ जाता है तो उसके लिए मालिक को पहले से ही क्या बनानी पड़ेगी, एक गुल्लक, और गुल्लक के अंदर पैसा डालना पड़ेगा। जिस मोमेंट वर्कर का हाथ आ गया तो उसको अनिल कपूर के पास जाने की जरूरत नहीं है। कानून ही क्या कहता है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, एक गुल्लक होनी चाहिए। गुल्लक आप तोड़ोगे, गुल्लक से निकलेंगे पैसे, जिस वर्कर का हाथ आया उसको उसका मुआवजा आप दे दें, जो बच गए वो मालिक के पैसे हैं। तो ये एक बेसिक फाउंडेशन है हमारी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक बार जरा वर्ड पे चले जाते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ गुल्लक। किस लिए बनाई जाती है? कंपनसेशन के लिए। कंपनसेशन का मतलब क्या हुआ? मुआवजा। और ये मुआवजा ध्यान से देखो किसके लिए मुआवजा है? वर्कर के लिए। इट मींस अगर वर्कर का कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है बिजनेस के आर्ट्स के अंदर, बिजनेस आर्ट्स के अंदर अगर वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ कट जाता है, पैर आ जाता है, व्हाटएवर, तो उसके लिए आपको मुआवजे के लिए पहले से क्या बनानी पड़ती है? एक गुल्लक। अब जरा आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। याद रखना लॉ की रिक्वायरमेंट है कि मालिक को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाना जरूरी है। एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं आपसे, ये आपका एक बेसिक आइडिया हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये बैलेंस शीट दे रखी है आपको, और बैलेंस शीट में अगर आपको आसानी से याद कराऊं तो दिस साइड इज कॉल्ड क्रेडिट, इजी वे में आपके लिए, और दिस साइड इज कॉल्ड डेबिट। यहां पे आपने बैलेंस शीट में एक गुल्लक बना रखी है जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और इस गुल्लक में आपने पैसे डाल रखे हैं 80,000। रिजर्व का मतलब हो गया गुल्लक। गुल्लक किसके लिए बना रखी है?
कंपनसेशन, मुआवजा किसको देने के लिए? वर्कर को। तो बैलेंस शीट में गुल्लक बन रखी है ऑलरेडी 80,000, और आपको जरा पार्टनर्स के नाम बता देते हैं। मालिक के नाम है, एक का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई। इनकी रेशियो दे रखी है 1:1। इट मींस इन शॉर्ट आप बात समझे, गुल्लक के अंदर पड़े हैं 80,000 रुपए और मालिक कौन कौन है? एक्स और वाई। अगर उस फैक्ट्री के अंदर, उस फर्म के अंदर अगर किसी वर्कर का हाथ आ गया तो इस गुल्लक को तोड़ा जाएगा और इस गुल्लक से सबसे पहले उस वर्कर को क्या दिया जाएगा? उसका मुआवजा। और जो भी बच गया वो कौन बांट लेंगे? वो पार्टनर्स बांट लेंगे। जो भी बच गया वो कौन बांट लेंगे? एक्स और वाई, पार्टनर्स। अब आपसे एक लाइव एग्जांपल शेयर करते हैं। आपने मुझे बताना है कि सर क्या इसके अंदर गुल्लक तोड़ी जाएगी कि नहीं तोड़ी जाएगी। ध्यान से सुनना, हमारे साथ हमारी फर्म के अंदर एक पार्टनर है, उनका नाम है गौरव सर। तो गौरव सर ने क्या किया, अब सीजन स्टार्ट हुआ था समर वेकेशन का, तो एसी की रिपेयरिंग करनी थी, तो गौरव सर ने कहा कि बाहर से किसको क्या बुलाना, मैं खुद ही रिपेयरिंग कर देता हूं। तो उस फर्म के अंदर मैं और गौरव सर कौन है? पार्टनर। और एसी खराब हुआ तो गौरव सर खुद ही उसको ठीक करने के लग गए, और गौरव सर ठीक करते करते उन्होंने एसी के अंदर हाथ दे दिया और गौरव सर की फिंगर कट गई। क्या कहते हो, इस गुल्लक का पैसा क्या गौरव सर को मुआवजा दिया जाएगा? मैं आपसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या गौरव सर वर्कर हैं? गौरव सर तो ओनर हैं। इट मींस आप पर्पस समझो, ये गुल्लक हमेशा किसके लिए बनाई जाती है? वर्कर के लिए। इट मींस वर्कर का हाथ आ गया तो पैसे दिए जाएंगे, और अगर किसी मालिक का हाथ आ गया, ओनर का हाथ आ गया या पार्टनर्स के हाथ आ गए तो उनके लिए इस गुल्लक से पैसा नहीं निकाला जाएगा। तो बैक टू द क्वेश्चन, बैलेंस शीट के अंदर एक गुल्लक दे रखी है 80,000 की और पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, रेशो दे रखी है 1:1। अब केस नंबर 1, अब मैं आपको सारे केसेस बताता हूं। पहला केस, गुल्लक बना रखी है बट किसी भी वर्कर का हाथ नहीं आया। दूसरा केस, सर एक वर्कर का हाथ आ गया, वो पैसे मांग रहा है। तीसरा केस, सर जरूरी है वर्कर का हाथ ही आए? हाथ भी आ सकता है और पैर भी आ सकता है। तो ये हो गया थर्ड केस। अब बच्चे बड़े होशियार होते हैं, एक बच्चा मुझे कह रहा सर अगर वर्कर पूरा का पूरा आ गया, जैसे गन्ना मशीन के अंदर आ जाता है, तो ये हो गया हमारा चौथा केस। बस चारों केस आपसे डिस्कस करने दोस्तों, हमारा टॉपिक खत्म हो गया। तो पहला केस है नो क्लेम बाय वर्कर। इट मींस सर वर्कर का ना कोई हाथ आया, ना कोई पैर आया, ना वो पूरा का पूरा आया, वर्कर ने कुछ भी पैसे नहीं मांगे। अब आप ये देखो, हमने गुल्लक बनाई किसके लिए थी? वर्कर के लिए, और वर्कर ने तो कुछ पैसे मांगे नहीं। तो आपकी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये कहती है कि इस गुल्लक के अंदर जो भी पैसा है, गुल्लक तोड़ो और पार्टनर्स बांट लेंगे। अब सर जनरल एंट्री कैसे होगी गुल्लक तोड़ने की? आपको समझने ही आराम से बात, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या हो रहा है यहां पे? क्रेडिट। बैलेंस शीट में क्या हो रहा है? क्रेडिट। अगर मैं इस गुल्लक को तोड़ूंगा तो आपका अकाउंट्स कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप कर दो डेबिट। मीनिंग समझना आप, डेबिट का मतलब होता है कि आपने ये गुल्लक तोड़ दी, क्योंकि गुल्लक क्या हो रही थी? क्रेडिट, और आपने कर दिया डेबिट। इट मींस आपने गुल्लक तोड़ दी। जब गुल्लक तोड़ेंगे कितना पैसा निकलेगा? 80,000। क्या वर्कर का हाथ आया है? नहीं आया, कोई वर्कर का हाथ नहीं आया। सारा का सारा पैसा कौन बांट लेंगे? मालिक बांट लेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। और सर जब पार्टनर्स बांटते हैं तो हमेशा किस रेशियो में बांटते हैं? ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो आपको दे रखी है 1:1। इट मींस 40,000 एक्स को मिल जाएगा, 40,000 वाई को मिल जाएगा। ये हो गया हमारा पहला ट्रीटमेंट, क्योंकि गुल्लक सारी की सारी टूट गई। सर अगर गुल्लक टूट गई और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि आप नई बैलेंस शीट बनाओ, तो हमने दोबारा से एक बैलेंस शीट बनाई, और ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, हमने बनाई है ये न्यू बैलेंस शीट। और न्यू बैलेंस शीट में आपसे क्वेश्चन ये है
क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज गुल्लक टूट चुकी है। तो ये था हमारा पहला केस, नो क्लेम बाय वर्कर। अब दूसरा केस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेम है एकदम, बस आपने क्या करना है, ये आपके सामने हमने क्या करा, क्वेश्चन पुराना वाला ही रख दिया। क्वेश्चन में दे रखी है बैलेंस शीट आपको, और बैलेंस शीट के अंदर पार्टनर्स भी दे रखे हैं, एक्स और वाई। केस नंबर टू, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पहले केस में किसी वर्कर का हाथ नहीं आया था, दूसरे केस में अब वर्कर का हाथ आ गया। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वर्कर क्लेम डिटरमाइंड, वर्कर ने क्लेम किया है, और वो वर्कर का जो क्लेम है डिटरमाइन किया गया 50,000 रुपीज। इट मींस, कहने का मेरा मतलब ये है कि वर्कर का हाथ आ चुका है और वर्कर ने कितने पैसे मांगे, 50,000 रुपए। बच्चा कहता है, सर अगर वर्कर का हाथ आ गया तो वो पैसे कौन से हाथ से मांगेगा, नलायक नलायक बच्चे होते हैं। दूसरा बच्चा कहता है, सर इस वर्कर का नाम तो बताओ, वर्कर का हम आपको जरूर बताएंगे नाम, पहले बताओ हमारी गुल्लक में कितने पैसे थे, 80,000 रुपए। वर्कर का हाथ आया, उसने कितने पैसे मांगे आपसे, 50,000। सबसे पहले आप गुल्लक तोड़ोगे, गुल्लक से कितने पैसे निकलेंगे, 80,000। 50,000 दोगे आप उस वर्कर को जिस वर्कर का हाथ आया है, और बाकी जो 30,000 बच जाते हैं वो पार्टनर्स बांट लेंगे। कौन कौन पार्टनर हैं, एक्स और वाई। इट मीन्स सर गुल्लक तो आपने तोड़नी ही तोड़नी है। और अगर सर हम बात करें एंट्री की, गुल्लक क्या हो रही थी यहां पे, क्रेडिट। और मैंने कहा था सर गुल्लक को तोड़ने के लिए आप क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। डेबिट का मतलब क्या हुआ, गुल्लक तोड़ दी। गुल्लक तोड़ेंगे तो कितना पैसा निकलेगा, 80,000। अब इसमें से सर कुछ पैसा तो हम किसको देंगे, वर्कर को। बताना आप कितना पैसा वर्कर मांग रहा था, वर्कर मांग रहा था 50,000 रुपये, क्योंकि वर्कर का हाथ आया था, कितने पैसे मांग रहा है, 50,000 रुपये। वर्कर का सर नाम तो बताएं, ये दोस्त इंडिया का वर्कर नहीं है, अमेरिका का वर्कर है, खतरनाक से इसका नाम है, नाम आपको याद रखना पड़ेगा, नाम है इसका प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कर का नाम क्या है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कर को कितने पैसे देने हैं हमने, 50,000 रुपये। सर गुल्लक में थे कितने, 80,000, वर्कर को कितने दिए, 50,000। 30,000 बच गए हैं अभी भी, वो 30,000 क्या करेंगे, पार्टनर्स बांट लेंगे। फटाफट बताओ सर पार्टनर्स का नाम क्या है, एक का नाम है एक्स और दूसरे का नाम है वाई। गुल्लक में कितना पैसा बचा हुआ है, गुल्लक के अंदर पैसा बचा हुआ है 30,000, और ये सारा का सारा पैसा पार्टनर्स बांट लेंगे। 30,000 में से 15,000 मिलेगा एक्स को और 15,000 मिलेगा वाई को। तो ये हमारा दूसरा केस हो गया। पहले केस में क्या हुआ था, किसी वर्कर का ना हाथ आया था ना पैर आया था, तो सारा सारा पैसा किसने बांट लिया था, पार्टनर्स ने। दूसरे केस में वर्कर का क्या आ गया, हाथ आ गया, तो 50,000 तो वर्कर को देंगे और जो बच गया वो किस में बांट लेंगे, पार्टनर्स में बांट लेंगे। आपने बस ये याद रखना है सर वर्कर का नाम क्या है, वर्कर का नाम है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। फटाफट करते हैं एक और केस, थर्ड केस। अब थर्ड केस के अंदर क्या होगा, दोबारा से हम उसी क्वेश्चन पे आ चुके हैं और आपकी स्क्रीन पे ये फ्लैश कर रहा है, गुल्लक में कितने पैसे पड़े हैं, 80,000। केस नंबर थर्ड में लिखा हुआ है, वर्कर क्लेम, वर्कर ने क्लेम मांगा पूरा का पूरा 80,000। कहने का मतलब यह है कि वर्कर का हाथ भी आ चुका है और वर्कर का पैर भी आ गया, और वर्कर पूरे के पूरे कितने पैसे मांग रहा है, 80,000।
आप आ जाओ फटाफट अकाउंटिंग एंट्री पे। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको गुल्लक तोड़नी पड़ेगी, और गुल्लक तोड़ने के लिए आप क्या करते हो, डेबिट। गुल्लक अगर टूट गई, सर कैमरा मैन सर से रिक्वेस्ट है, स्क्रीन हो चुकी है बंद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। अगर गुल्लक टूट गई तो गुल्लक से कितना पैसा निकलेगा, 80,000। और जिस वर्कर का हाथ और पैर दोनों आए हैं, उस वर्कर को आप कितने पैसे दे दोगे, सारे के सारे 80,000 उसको दे दोगे। फटाफट बताओ दोस्तों, वर्कर का नाम क्या है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्या गुल्लक में कुछ पैसा बचा, नहीं बचा, इसलिए पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। तो ये हमारा हो गया थर्ड केस, और अब हम आगे हैं लास्ट केस पे, जहां पे हम वर्कर को पूरा का पूरा गन्ने की तरह उसको मशीन में ले आएंगे। तो हमारे हम आ गए हैं लास्ट केस पे, केस नंबर 4। लास्ट केस ये कहता है कि वर्कर पूरा का पूरा ही आ गया, और वर्कर ने पैसे मांगे हैं 1,40,000। बच्चा कहता है कि सर वर्कर अगर पूरा का पूरा आ गया तो पैसे मांगेगा कहां से। दोस्त उसके फैमिली मेंबर्स आएंगे कंपनी के पास, वो कितने पैसे मांग रहे हैं आपसे, 1,40,000। अब आप लॉजिकली सोचो, आपने गुल्लक बना रखी है, गुल्लक में कितने पैसे थे, 80,000। गुल्लक को तो तोड़ दो, गुल्लक क्या हो रही थी, क्रेडिट। तोड़ने के लिए क्या करूंगा, डेबिट। कितने पैसे निकलेंगे वहां से, 80,000। वर्कर को बुलाएंगे, कहेंगे ये लो 80,000, तो ये लो। बट वर्कर मांग कितना रहा है, 1,40,000। 80,000 तो मैं यहां से उठा के दे दूंगा, और बाकी जो डिफरेंस है 60,000, वो मैं अपनी पॉकेट से निकाल के दूंगा उसको। और इस पॉकेट को 12th क्लास में बोला जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 60,000 का। इट मींस सर एंट्री क्या होगी, आपने पहले गुल्लक तोड़ दी, गुल्लक तोड़ी तो कितने पैसे निकले, 80,000। बट वर्कर कितने पैसे मांग रहा था, वर्कर मांग रहा था 1,40,000। इट मींस वर्कर का तो पहले नाम बता दें, वर्कर का नाम है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 60,000 का सर डिफरेंस आ रहा है, जो आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, और उस पॉकेट को 12th क्लास में बोलते हैं इट इज अ लॉस, और लॉस आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये बस बता आप याद रखना कि सर दिस इज अवर लॉस। और आपको पता है सर, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है पार्टनर्स बांट लेते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे ये बातें शेयर करेंगे कि सर इस लॉस को कौन बांटेगा, पार्टनर्स किस रेशो में। क्वेश्चन ये है सर, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे, छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कशन किया था, इसी टॉपिक को पहले हम रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद इसी को आगे स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपसे बुक्स से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।